हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर WHRP में फीड वाटर और स्टीम का सर्कुलेशन किस तरह से होता है ये आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक डिरेटर थिंग होता है जिसमें पानी वाटर भरा होता है, इसमें उसमें जो वाटर को बॉयलर फीड पंप के द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले वाटर पहले बॉयलर फीड पंप के कॉमन हेडर में आता है। कॉमन हेडर क्या होता है, इसमें एक ऐसा पाइप है जिसमें एक से ज़्यादा लाइनें जुड़ी होती है। जैसे कोई मान लिया जाए इस हेडर से कोई और दूसरे बॉयलर में पानी लेना है तो उसको हम यहाँ से कनेक्ट करके ले सकते हैं। तो इस तरह से ये हेडर होता है। अब वाटर हेडर से आगे बढ़ता है और फ्लो नोजल ओरिफिस से गुजरता है। या फ्लो नोजल ओरिफिस क्या होता है, इसमें पानी कितना जा रहा है यहाँ से, ये एक ट्रांसमीटर के थ्रू इसको बताया जाता है। फ्लो नोजल ओरिफिस के बाद बॉयलर में जो वाटर रहता है वो फीड वाटर कंट्रोल वाल्व से गुजरता है। ये जो फीड कंट्रोल वाल्व जो फीड कंट्रोल वाल्व होता है जिसे FCV कहते हैं, ये एयर से ऑपरेट होने वाला वाल्व होता है जो ड्रम में वाटर लेवल को कंट्रोल करता है। ये ओपन या फिर क्लोज होता है, ठीक है। इसके बाद अगर ये मेन फीड वाटर कंट्रोल वाल्व किसी वजह से काम नहीं करता है तो बाईपास फीड कंट्रोल वाल्व को यूज़ करते हैं। इसके बाद जो वाटर है वो नॉन रिटर्न वाल्व को पास होता है। नॉन रिटर्न वाल्व का काम क्या है, वो वाटर को रिटर्न होने नहीं देता है, स्टॉप रिवर्स फ्लो को स्टॉप करता है। ये आइसोलेशन वाल्व होता है और नॉन रिटर्न वाल्व होता है, दोनों मिलकर ये फीड चेक वाल्व कहलाता है। अब ये वाटर इकोनोमाइजर 1 में जाता है, उसके बाद इकोनोमाइजर 2 में जाता है। इकोनोमाइजर क्या होता है, जो बॉयलर से निकलने वाली जो वेस्ट हीट से जो बॉयलर में जाने से पहले पानी को गर्म किया जाता है ताकि बॉयलर की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सकें। इसके बाद जो इकोनोमाइजर टू से निकल के फीड वाटर स्टीम ड्रम में पहुंचता है। अब यहाँ पे एक राइजर ट्यूब के द्वारा वो वाटर का ई ऑपरेटर 1 और ई ऑपरेटर 2 में जाता है। ई ऑपरेटर क्या होता है, जो पानी का जो वाष्पीकरण होता है वो यहाँ से होता है, ई ऑपरेटर में होता है। ये क्या करता है, बॉयल करता है वाटर को और उसको जो स्टीम है उसमें कन्वर्ट करने लगता है। अब यहाँ ये स्टीम सेचुरेटेड लाइन है। स्टीम सेचुरेटेड लाइन में सेचुरेटेड स्टीम प्राइमरी सुपर के इनलेट हीटर में इन होता है और प्राइमरी सुपर हीटर के आउटलेट हीटर से निकल जाता है। इसमें प्राइमरी सुपर हीटर के आउटलेट हीटर से एक स्टीम सेचुरेटेड लाइन होता है जो शूट ब्लोअर के लिए होता है। अब शूट ब्लोअर क्या होता है, शूट ब्लोअर ट्यूब में के जो एक्सटर्नल क्लीनिंग के लिए होता है। ट्यूब के बाहर एक कोटिंग जम जाता है, जो अनबर्न पार्टिकल्स है वो चिपक जाते हैं जिसको क्लीन करना रहता है। तो इसको प्रेशर से इसमें प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व होता है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व इसे प्रेशर को मेंटेन करते हैं और शूट ब्लोइंग के लिए। अब ये स्टीम प्राइमरी सुपर हीटर के आउटलेट हीटर से यहाँ स्टीम निकल के सेकेंडरी सुपर हीटर के इनलेट में जाता है और सेकेंडरी सुपर हीटर आउटलेट हीटर से बाहर निकल जाता है। अब ये जो स्टीम रहती है वो सुपर हीटेड ड्राई स्टीम होता है जो खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, केवल आवाज सुनी जा सकती है। यहाँ प्राइमरी सुपर हीटर के आउटलेट हीटर और सेकेंडरी सुपर हीटर के इनलेट हीटर से एक के बीच में एक टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व होता है जिसमें डी सुपर हीटर भी कहते हैं। इसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो वाटर का स्प्रे किया जाता है यहाँ पे,
ये वाटर जो होता है वो फीड लाइन से फीड बॉयलर फीड पंप से के जो लाइन है उससे आती है। ठीक है, यहाँ पे ये स्टीम लाइन है, ये इसमें सेफ्टी वॉल लगा होता है जो मेन मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर से ज़्यादा होता है, तो ये सेफ्टी वॉल ब्लो होता है ऑटोमेटिकली। इसमें स्टार्टअप वेंट होता है, ये लाइन की जो एक्सेस स्टीम होती है उसको ये बाहर निकालने के लिए होता है। ड्रेन का उपयोग जब इसको लाइन में लिया जाता है तो लाइन को चार्ज किया जाता है, तो इसमें जो कंडेंसेंस मॉइस्चर है उसको निकालने के लिए ड्रेन होता है। यहाँ पे मेन स्टीम स्टॉप जिसको SSV कहते हैं, इसका उपयोग जब बॉयलर को लाइन में लेते हैं या जो बॉयलर को लाइन में लेते हैं तो उस समय इसको यूज़ किया जाता है। ये जो है मोटराइज वॉल्व होता है और इलेक्ट्रिकली ये ऑपरेट होता है। अगर ये बाईपास का उपयोग अगर मेन स्ट्रीम स्टॉप वॉल अगर ख़राब है या कुछ कारण से अभी ऑपरेट नहीं हो रहा है तो ये बाईपास का यूज़ करते हैं। इसमें वेंट वॉल्व होता है, यहाँ ये एयर को रिलीज करने के लिए होता है। फिर जो सुपर हीटेड स्टीम है वो कॉमन हेडर में जाता है, कॉमन हेडर में जाने के बाद फिर स्टीम को यहाँ से टर्बाइन में ले लिया जाता है। यहाँ पे स्टीम जो वाटर ड्रम है इसे एक IBD और CBD दिया जाता है। CBD से क्या होता है, ये कंटिन्यू खुला रहता है, और IBD क्या होता है, ये वाटर की क्वालिटी अगर CBD से कंट्रोल नहीं होने पर ये बीच बीच में दिया जाता है। तो इस तरह से जो फीड वाटर और स्टीम का सर्कुलेशन WHRV में